नमस्कार, मैं सचिन गुप्ता नेशन भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए हम आ चुके पटना के पीएमसीएच, जो कह सकते हैं कि ये इस रोड में जहां मेडिकल शॉप्स हैं, बहुत जगह से ये खबरें आ रही हैं कि मास्क नहीं मिल रहे हैं और सैनिटाइजर नहीं मिल रहा और ब्लैक हो रहा है। तो चलिए आज हम देखते हैं, रियलिटी चेक करते हैं कि क्या क्या चीज़ें अभी उपलब्ध हैं और कितना मेडिकल शॉप तैयार है हमारे इस मास्क को लेकर, सैनिटाइजर को लेकर। चलिए यही बात करते हैं भैया। आया आपके पास सैनिटाइजर है? सैनिटाइजर तो अभी ख़त्म हो गया। मास्क है कौन सा? NH95 जनरल मास्क है। मास्क दिखा, देखिए मास्क यहाँ पे अवेलेबल है, मैं देखता हूँ। मास्क दिखाइए जरा, कितने का आ रहा भैया? ये 30 रुपये का। 30 का? और इसमें और भी कोई हाई उससे क्वालिटी में? देखिए 30 रुपये का ये मास्क यहाँ अवेलेबल है, यहाँ पे मेडिकल स्टोर में हूँ अभी। एक दे दीजिए, एक दे दीजिए, मैं पैसे दे। तो चलिए और मेडिकल स्टोर पर हम जाएंगे, देखेंगे क्या यहाँ पे। सैनिटाइजर क्यों नहीं है सर? कितने दिन से नहीं सैनिटाइजर आपके? सैनिटाइजर कल से नहीं है, आज से नहीं है। नहीं, हाँ कल तक तो था, कल परसों 50 ml 100 ml का बोतल रहता है डिटॉल का। कॉस्ट क्या था? कॉस्ट याद नहीं है कितना कॉस्ट था, 60 रुपीज़ था। अवेलेबल नहीं, कब आ जाएगा फिर आपके पास? अब देखते हैं, हम ऑर्डर भेजे हुए हैं, अगर मिल गया तो आ जाएगा। क्या स्थिति कहा जाए मार्केट में कि ब्लैक हो रहा है बहुत जगह से, ज़्यादा पैसे लिया क्या? ऐसा नहीं है, ब्लैक हो रहा है मार्केट में, जो माल है मिल रहा है, माल नहीं है तो नहीं मिल रहा है। सर आप इतने इन्फेक्टेड लोग आपके मेडिकल स्टोर पे आते हैं, आप मास्क यूज़ नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम उतना यूज़ नहीं कर रहे हैं, मास्क यूज़ करें तो काम ही नहीं कर पाएंगे। बोलना पड़ता है ना लोगों को, समझाना पड़ता है, तो मेरा ही मुँह बंद बह जाएगा तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे, हम बता ही नहीं पाएंगे। ना हैंड सैनिटाइजर। सैनिटाइजर लेने आए हुए हैं कोरोना वायरस को मतलब बचाव के लिए? चलिए हमारे साथ है, तो मैं आगे और भी मेडिकल स्टॉप पे आपको ले चलूँगा। चलिए हम आगे भी और दुकान दिखाएंगे क्या स्थिति यहाँ पे। ये मास्क कितने का है बताइए जरा? देखिए मास्क सर ये कितने का आ रहा है? ये 50 का। ये देखिए ये मास्क है यहाँ पे 50 रुपीज़ की, यहाँ पे हर जगह अलग अलग रेट्स हैं। सर सैनिटाइजर क्यों नहीं मिल रहा, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? कंपनी से सब बोला जा रहा है कि 2 शुक्र तक आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी कब से माल आपके पास नहीं है? 2-3 दिन से, 4 दिन से नहीं है। पहले था इसका डिटॉल वाला, तो सभी एक पीस भी नहीं है। तो रेट क्या था उसका? रेट 60 रुपया। हाँ वही रेट, MRP ज़्यादा कुछ नहीं। ये कितने का आ रहा है? ये हम लोग आ रहा है 45 रुपये का, 50 रुपये बेच रहे हैं। पीछे 30 रुपये का भी मिल रहा है, वो तो दूसरा तरह का होगा, आप जो पहने हुए हैं वो होगा। हाँ आप जो पहने हुए हैं वो सस्ता वाला है। ये अलग अलग क्वालिटी कुछ है, ये 30 का मिल रहा है। हाँ तो ये होगा, सबका अलग अलग होगा। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ये 30 का मिल रहा है, यहाँ पे कहीं 50 का मिल रहा है, सब जगह रेट्स को लेकर। सैनिटाइजर है आपके पास? नहीं है अभी तक नहीं आया। कितने दिन से नहीं आपके पास? नहीं मेरे पास अभी 2 घंटा पहले ख़त्म हुआ। एक पीस भी नहीं है? ठीक है, क्या कल फिर आ जाएगा? कितना माल शॉर्ट सेल हो रहा है? नहीं ठीक है, हम तो रख रहे हैं स्टॉक मेरे पास है। में कौन सा मास्क आया? 95 मास्क नहीं है। क्यों मिल नहीं रहा है? कब से नहीं मास्क? खत्म कब से? मास्क तो लगता है कि 10-15 दिन से खत्म है। आप मंगा नहीं रहे फिर? मिल ही नहीं रहा। नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है। तो क्या कहा जा रहा है, स्टॉक से क्या कह रहे हैं? क्या वो क्या स्टॉक नहीं है? नहीं है? नहीं। ओके, तो अभी कब आएगा आपके पास? आज ही रात तक आ जाएगा, 7-8 बजे। चल देख सकते, मास्क यहाँ पे कमी है, सैनिटाइजर यहाँ मिल जाएगा, इनका कहना अभी 2 घंटे पहले खत्म हुआ है। मेडिकल स्टोर्स मैं अभी हूँ, PMC के ठीक सामने वाली गली में हूँ। अब मैं आपके और भी शॉप पे ले चलता हूँ, आगे में ले चलता हूँ। देखिए मैं यहाँ भी स्टोर पे आऊँ, सैनिटाइजर यहाँ भी अवेलेबल नहीं है। मास्क होगा अवेलेबल कि नहीं? सैनिटाइजर कितने दिन से नहीं है मैम यहाँ पे? सैनिटाइजर इज नॉट अवेलेबल फॉर ऑलमोस्ट अ वीक, एक हफ्ते से नहीं मिल रहा है। जब से स्टार्ट हुआ कोरोना वायरस का पटना में, उसके बाद से सैनिटाइजर खत्म हो गया, जितना था खत्म हो गया। डिमांड्स बहुत है, सप्लाई नहीं है, कोई दे रहा है तो कहीं मिल नहीं पा रहा। कारण क्या सप्लाई नहीं होने का, जबकि और दिन के बाद ज़्यादा माल सेल होने का कारण क्या? सप्लाई ही नहीं, कोई अच्छी कंपनी दे नहीं दे पा रही है, ना डिटॉल की कंपनी की सप्लाई मिल रही, ना हिमालय का मिल रहा, किसी का नहीं मिल रहा। यानी खपत से ज़्यादा माल ज़्यादा बिकने का ऐसा हो रहा ना कुछ? तो क्या आपने लोग आते हो फिर क्या जवाब? नहीं सॉरी बोलते हैं कि नहीं है, खत्म हो गया। मास्क को लेकर? मास्क कल ख़त्म हो गया था, कल भी आएगा वापस, कल स्टॉक आ रही है बाहर से। N95 भी मास्क आएगी कल वापस। क्या कॉस्टिंग उसकी? कॉस्टिंग अभी कुछ मतलब, बिल जो आएगा उसके हिसाब से देखा जाएगा क्या कॉस्ट है। आपने क्या कॉस्ट था? अप्रॉक्स 100। सैनिटाइजर है, मास्क है सर? नहीं।
सैनिटाइजर भी नहीं है? नहीं। कितने दिन से नहीं है? कब से सर? देखिए चलिए मैं यहाँ भी हूँ, बताइए कब से नहीं आपके मास्क? आज ही खत्म हुआ है, आज दिन से। सैनिटाइजर भी आज ही खत्म हुआ? माल आ रहे हैं? माल चला हुआ है, मतलब इन ट्रांजिट है, तो 2 से 3 दिन में फिर से अवेलेबल हो जाएगा। क्या सेल क्या है? अभी तो काफ़ी ज़्यादा सेल है, डिमांड ज़्यादा है, थोड़ा सा फियर। मास्क आप यहाँ मेडिकल स्टोर पे बहुत इन्फेक्टेड लोग आते हैं। नहीं, मास्क लगाने से कोरोना वायरस में कोई पॉइंट है नहीं। कोरोना वायरस में मास्क लगाना तभी जरूरी है जब आप इन्फेक्टेड पर्सन के विसिनिटी में हो। आप कैसे जज करेंगे आपके यहाँ जो मेडिकल स्टोर पर बंदा आ रहा है वो इन्फेक्टेड है या नहीं है? नहीं, जज कर पाना कम्प्लीटली मुश्किल है कि इन्फेक्टेड है या नहीं है, लेकिन फिर भी जो वायरस के सिम्टम्स हैं कि हाई फीवर, क्रोनिक पेन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, तो उसमें लगता नहीं कि पेशेंट इतना मोबाइल होगा कि वो मार्केट में जा कर के शॉप करेगा। यानी कि आप ये वो समझ लेते हैं क्या? नहीं, हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन इन्फेक्टेड आ भी सकता है ना? हाँ, पॉसिबिलिटीज हैं। कोई नहीं पता होगा कि वो वायरस से इन्फेक्टेड है, वो तो आ सकते हैं ना? जरूर उनको लगाना चाहिए ना मास्क? हाँ, लगाना चाहिए, लेकिन पॉसिबल नहीं है हमारे भी। चलिए, हमारे साथ थे, इन्होंने बताया कि लगाना चाहिए लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है। चलिए आगे और भी शॉप्स पे जाएंगे, यहाँ भी आते हैं मेडिकल स्टोर पे। अभी कहीं सैनिटाइजर नहीं मिला मुझे। सैनिटाइजर है आपके पास सर? सैनिटाइजर है सर? सैनिटाइजर होगा क्या? है। चलिए यहाँ पे सैनिटाइजर मिला है सर। कितने का मुझे चाहिए? यहाँ पे सैनिटाइजर है, बिल्कुल अवेलेबल है यहाँ पे। यानी कि अगर आप दुकान पे ढूंढेंगे तो आप सैनिटाइजर मिल ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे नहीं मिल रहा। और भी मैंने पीछे देखे थे, लेकिन अभी यहाँ पे हैं। सर मास्क भी है? मास्क के बल पर है ये सर। तो कितने का आ रहा है ये? 600। और वो छोटा वाला डिटॉल वाला नहीं है? डिटॉल का नहीं, दूसरे में है, छोटे का। दूसरे में है क्या? दूसरे में दिखा दो, पॉकेट में यूज़ करने के लिए थोड़ा। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि हैंड रब है, ये सैनिटाइजर है ना? सैनिटाइजर रब क्या? देखिए यहाँ पे इस तरह के अवेलेबल हैं अभी यहाँ पे। अगर आपके पास नहीं है सब्स्टिट्यूट में यहाँ पे है, डेटॉल नहीं है, लेकिन और भी हैंड वॉश हैं, आप ले सकते हैं। पीएमसी के ठीक सामने वाले स्टोर पे से मैं हूँ, यहाँ अवेलेबल हैं। तो सर सेल तो बहुत बढ़ा होगा? हाँ, बहुत डिमांड है अभी। स्टॉक्स में डेटॉल के लिए तो बहुत डिमांड हो रहा है? डेटॉल का माल नहीं आ रहा है। चलिए, यहाँ डेटॉल के माल नहीं है। मास्क अवेलेबल अभी है कि नहीं है? N95 है क्या? हाँ, चलिए यहाँ पे सब कुछ है। यानी कि मैं सर एक मिनट ले रहा हूँ, ये वाला N95 भी है, यहाँ मास्क भी है, सैनिटाइजर भी अवेलेबल है। यानी कि आप अगर 2-4 शॉप पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ऐसा शॉर्टेज नहीं है। जैसे कि लोग कह रहे हैं कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कोई बिल्कुल ब्लैक मार्केटिंग नहीं है। जिस रेट में आपको चाहिए उसी रेट का जो रेट है उसी पे मिल रहा है। तो अफवाहों पर ना जाए, आप आके स्टॉल पे स्टॉक्स हैं यहाँ पे, आप मेडिकल स्टोर पर ले सकते हैं। चलिए मैं आगे और भी दुकान में जाऊँगा। मैम बताइए, रैंडमली मेरे पापा को डिप्रेशन है, उसके लिए दवा लेने आए। तो आप कोरोना वायरस से लोग इतने प्रभावित हो रहे हैं, इफेक्टेड लोग हो रहे हैं, क्या प्रिकॉशन यूज करें? क्या कोई आप मास्क तो या नहीं? कुछ नहीं यूज किए हैं। क्या कारण था? नहीं करना चाहिए, नहीं, अभी तक ऐसा फील नहीं हुआ है। तो आप आपके आसपास जो है आप हैंड वॉश कर रही कि नहीं? हाँ, हैंड वॉश, सैनिटाइजर वगैरह वो तो नॉर्मली और कैजुअली लोग यूज करते ही है, तो बस बेसिक जो यूज करते हैं वही कर रहे हैं अभी। कोई लगता है कि मास्क यूज करना चाहिए? लगने का क्या, जिस दिन तक जाना हो उस दिन चले जाए। देखा कि मैं पीएमसीएच के सामने वाले स्टॉल्स पे सारे शॉप पे था, सब जगह मैं गया हूँ, 4-6 दुकान के बाद मुझे एक दुकान पे सैनिटाइजर भी मिल गया है और मास्क अवेलेबल है। लेकिन यही है कि सैनिटाइजर थोड़ा महंगा पड़ रहा है वहाँ पे, वो 175 का जैसे मैंने लिया। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये हैंड सैनिटाइजर है, इसकी कंपनी का नाम मैं बता दूँ, ये महंगा है, 175 रुपये का ये है, ये अवेलेबल हो रहा है। और मास्क में भी अगर N95 लेते हैं तो इनके पास इम्पोर्टेड है जो 400 का है, और एक 149 का था वो जो अवेलेबल कल। तो देखा आपने कि मैं अभी मेडिकल स्टोर पर था, एक सैनिटाइजर मैंने खरीदा है, ये ठीक है। अगर आपके पास अगर अवेलेबल नहीं, अवेलेबल है लेकिन अलग अलग रेट्स के भी हैं, आप रेट्स देख सकते हो, चेक कर सकते हो। अल्कोहल का मात्रा कितना ज़्यादा है, किसमें क्या है, वो चेक करने के बाद उसी हिसाब से रेट्स भी हैं। N95 अवेलेबल है जो 149 का भी है, और इम्पोर्टेड जो 400 रुपये का है। अगर आप 49 का लेना चाहते हैं 149 का वो भी मिल जाएगा, 400 का चाहते हो वो भी मिल सकता है यहाँ पे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप घबराएं जितने, पैनिक नहीं होना आपको, हमेशा हैंड वॉश करें, मास्क यूज़ करें, पब्लिक प्लेस से जाने से थोड़ा परहेज करने का जरूरत पड़े तो ही जाए पब्लिक प्लेस पे। चलिए, मैं सचिन गुप्ता आपके साथ बना रहूंगा नेशनल भारत से। थैंक यू। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।